नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम रोपड़ पहुंच चुकी है। मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को मिलने की औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं। यूपी पुलिस की ओर से औपचारिकताएं पूरी करने का काम भी शुरू हो चुका है और एक घंटे में मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल से निकलने की संभावना है। मुख्तार अंसारी को लाने गई टीम ने यूपी में अफसरों को पूरी जानकारी भी दे दी है। मुख्तार अंसारी को ट्रेवल परमिट बनवा करके उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उधर मऊ के बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की कस्टडी पाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन अब जब मुख्तार यूपी लाया जा रहा है तो उसका परिवार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का रोना रो रहा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंशा ने आशंका जताई है कि मुख्तार को फर्जी एनकाउंटर में मारने की साजिश रची जा सकती है। तो आज मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की पूरी कवायद जारी है और उत्तर प्रदेश से पुलिस का एक बड़ा जाप्ता पहुंच चुका है पंजाब में और रोपड़ पहुंच चुका है। वहां पर तमाम कागजी कार्रवाई पूरी होंगी और उसके तकरीबन एक घंटे बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं प्रेम प्रकाश, जो कि एडीजी हैं प्रयागराज जोन से, और के सत्यनारायण हैं जो कि आईजी हैं चित्रकूट रेंज के, जो कि तेज तर्रार एक पुलिस माने जाते हैं। और यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों पर दी गई है। हम आपको बताएं कि ये दोनों रोपड़ नहीं गए हैं बल्कि उत्तर प्रदेश रहकर ही इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट, जो तमाम पुलिस जाप्ता वहां पर पहुंचा है, इन दोनों को पहुंचाई जा रही है। और तीन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आज उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। जो रूट होगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा, इसके अलावा वज्र वाहन भी वहाँ पर मौजूद है, बड़ा पुलिस जाप्ता भी वहाँ पर मौजूद है। तमाम जो रूट्स है वो कॉन्फिडेंशियल होंगे। इसके अलावा जो तमाम पैतरे मुख्तार अंसारी की ओर से अपनाए जा रहे थे उसको भी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी की है। डॉक्टर्स की टीम भेजी है ताकि इस बार वो कोई स्वास्थ्य खराब होने का बहाना ना बना सके। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि कुछ ही देर में जब ये जाप्ता उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगा मुख्तार अंसारी को साथ में लेकर के, तब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा मुख्तार अंसारी के परिवार की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त सुरक्षा का रोना रो रहे हैं। खुद उनकी पत्नी ये कह रही है कि उन्हें डर है कि उनका फेक एनकाउंटर ना हो जाए। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस बांदा से कल पंजाब के लिए रवाना हुई थी और 24 घंटे बाद सुबह 6 बजे पंजाब पहुंच गई थी। और उसके बाद जो है कागजी कार्रवाई के बाद अब से कुछ देर बाद बांदा पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा के लिए लेकर रवाना होगी। जब अगर बात करें काफिले की बात करें तो मुख्तार अंसारी को लेने की जो पुलिस टीम गई थी उसमें एक CO, दो इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 20 हेड कॉन्स्टेबल के साथ में एक प्लाटून PSC भी साथ में गई थी। इसके साथ में एक वज्रवाहन भी साथ में इस काफिले में शामिल था। इसके साथ ही जो है मेडिकल टीम से सुसज्जित एक वैन भी गई थी जिसमें एक डॉक्टर और कुछ मेडिकल स्टाफ भी साथ में था। अब से कुछ देर बाद जो है कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ये वही जेल है, ये मंडल कारागार बांदा जेल है जहाँ पर मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। और मुख्तार अंसारी को बांदा आने को लेकर के यहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जब तक मुख्तार अंसारी को बांदा में आना तय नहीं था तब तक जेल के अंदर के हिस्से में जो गेट दिखाई दे रहा है वहाँ तक हमारी पहुँच थी, हम लोग जाते थे। उसके बाद अब की बात किया है तो अब आप देख सकते हैं कि फोर्स काफ़ी बढ़ी हुई है, बाकायदा एक गाड़ी तैनात है और इंस्पेक्टर है, कुछ सिपाही हैं। मुख्तार अंसारी को आने को लेकर के यहाँ काफ़ी गहमागहमी बढ़ चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त कर दी गई है। बगल में एक निर्माण कार्य है जहाँ परमानेंट चौकी होगी और हमारे इस तरफ देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर कुछ सिपाही तैनात है जिनके काम सुरक्षा व्यवस्था का देखना है। अगर बात की जाए लोगों के आने की तो जो लोग भी यहाँ पर बंद हैं उनके जो मिलने वाले लोग आते हैं, मिलाई करने लोग आते हैं, उनको भी काफ़ी गहन सुरक्षा से गुजरना पड़ता है, काफ़ी जाँच होती है उनके भी, उनका भी जो आधार कार्ड दिया जाता है यानी कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए उसको लेकर के काफ़ी खासा प्रयास किया जा रहा है।
बात करें अगर पंजाब से, तो एक जानकारी मिल रही है कि पंजाब से जैसे ही मुख्तार अंसारी बांदा के लिए रवाना होगा, बाकायदा यूपी की एसटीएफ उसका निगरानी करेगी, यानी कि इस काफिले का जो सुरक्षा काफिला था उसके साथ में जो है एक एसटीएफ काफिला भी साथ में चलेगा, जो सुरक्षित बांदा तक ला करके इस जेल में बंद करने का काम करेगा। बांदा में आने के बाद मुख्तार अंसारी का हिसाब किताब होगा, यानी एक दिन उसको जो है कानून का सामना करना पड़ेगा। ये वही रास्ता हम दिखा रहे हैं जिस रास्ते से जो है मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल लाया जाएगा और जो है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी को बताया जा रहा है कि बैरिक नंबर 15 में रखा जाएगा, जिसकी जो है व्यवस्थाएं चकचकबंद कर दी गई हैं। मेडिकल संबंधी कोई क्रिटिकल सर्विस ना हो, तो परेशानी ना हो, उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बांदा पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है खास तौर पर, यानी बांदा प्रशासन भी इस पूरे मामले पर खासी नज़र बनाए रखे हुए है कि कहीं भी कोई किसी तरह की चूक ना हो जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए बांदा से आमिर हुसैन। तो पंजाब की रोपड़ जेल पहुंच चुकी है यूपी पुलिस और कागजी कार्रवाई पूरी होते ही वो पुलिस का जाब्ता निकल पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लिए। 16 से 17 घंटे लग सकते हैं उत्तर प्रदेश वापस पहुंचने के लिए, और जो तमाम तैयारी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 गाड़ियां रोपड़ जेल पहुंच चुकी है, 150 पुलिसकर्मी है, वज्र वाहन है, और अभी कागजी कार्रवाई हो रही है, मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि जो जेल टू जेल ट्रांसफ़र होता है उसमें जो तमाम कार्रवाई होती है वो की जा रही है, और उसके बाद आगे शिफ्ट किया जाएगा। अब बांदा जेल ही क्यों शिफ्ट किया जा रहा है ये भी बड़ा सवाल है, और उसके अलावा कितनी सुरक्षित ये जेल बताई जा रही है, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा का डर है कहीं ना कहीं, और इसलिए उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं डर रही हैं, और इसलिए उन्होंने कहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, और इसलिए सुरक्षा की ज़्यादा मांग उनकी ओर से की गई है। इसके अलावा खुद मुख्तार अंसारी भी डरते हैं उत्तर प्रदेश आने के लिए, क्योंकि उनके जो शार्प शूटर रहे हैं मुन्ना बजरंगी, जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई थी, ठीक उसके बाद उन्होंने एक रंगदारी का पूरा खेल रचा और पंजाब ट्रांसफ़र हो गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं गंभीर आरोप कैप्टन सरकार पर भी लगे कि कहीं ना कहीं संरक्षण मुख्तार अंसारी को दिया जा रहा था। अब फाइनली मुख्तार अंसारी को अपने घर वापस आना होगा, उत्तर प्रदेश वापस आना होगा, और वापस बांदा जेल की शक्ल देखनी पड़ेगी। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस की तमाम तैयारियां भी हम आपको बता रहे हैं, और क्या क्या डर मुख्तार अंसारी के परिवार को लग रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर अभी हम सोशल मीडिया को देखें तो तमाम लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को देख करके विकास दुबे का प्रकरण भी याद आता है, जब मध्य प्रदेश से शिफ्ट किया जा रहा था उत्तर प्रदेश, और जब गाड़ी पलट गई थी, तो सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या इस बार तो गाड़ी नहीं पलटी जाएगी, तो ये कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए मेरे साथ शबनम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एके जैन, पूर्व डीजीपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अरविंद विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ सैफ खान, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी एके जैन जी, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, आपने इस प्रकार के कई मसले देखे हैं, 16 से 18 घंटे का ये सफर रहने वाला है, कितना क्रूशियल ये सफर रह सकता है, क्योंकि अभी अगर हम सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो विकास दुबे का प्रकरण भी कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस बार गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी। नहीं, ये सब इररिलेवेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इसको लाया जा रहा है, पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। एडीजी जोन अलाहाबाद और प्रयागराज और आईजी चित्रकूट के पर्यवेक्षण में सब पूरी कार्रवाई हो रही है। ये सब बिल्कुल मिथ्या है, भ्रम है कि इस टाइप की कोई घटना हो सकती है। ये यूपी पुलिस का फर्ज है कि रोपड़ जेल से उसको सुरक्षित लेकर वो बांदा जेल में लाके सुरक्षित जमा करे। रोपड़ जेल, यहाँ पे बांदा जेल में भी अच्छे पुलिस के प्रबंध किए गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है जैसी की अपेक्षा की गई है, और मैं समझता हूँ कि सब सुरक्षित कल तक, क्योंकि आज बड़ा लेट हो चुका है, पता नहीं कब वहां से निकलेंगे और क्यों इतना विलंब हो रहा है, और रात को हो सकता है कहीं पे रुकें या रात भर ट्रेवल करें, जो भी करना है। देखिए, इनको ऐसे फ्लीट को हमेशा हर थाना क्षेत्र में भी एस्कॉर्ट किया जाता है, हर थाना क्षेत्र के अलग अलग SHO, SO, CO वो उस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, पुलिस फोर्स लगा रहता है, जिससे कि उनके क्षेत्र से सकुशल फ्लीट गुजर सके, पर्याप्त
जरूरत से ज्यादा सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि उसको कल तक वो बांदा जेल में सुरक्षित दाखिल करा दिया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शबनम पांडे जी, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश वापस। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाला है, उन्होंने साफ तौर पे सत्ता संभालने के बाद अपने पहले भाषण में यही बात कहा था कि अब जो भी अपराधी भ्रष्टाचारी हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या उनके लिए दो ही जगह, और उन दो जगह कोई जाना नहीं चाहेगा। और आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ के पंजाब में शरण लेते हैं, एक राजनीतिक पार्टी उसे संरक्षण देती है और मुझे तो लगता है केस लगा के, क्योंकि दो साल तक उसका चार्जशीट नहीं दाखिल होता है वहां पे और तमाम बहाने उसकी बीमारी की लेके उनको संरक्षण वहां दिया जाता है और वो उत्तर प्रदेश आने से डरता, उसका पूरा परिवार भयभीत है उत्तर प्रदेश उसे लाने से, तमाम तरह की पैतरेबाजी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आने से इसलिए डर रहे हैं कि जो खातिरदारी अन्य सरकारों के दौर में उसे जेल में मिला करता था, जिस तरीके से उसके केस को लंबित रखा जाता था, उससे पैर भी मजबूती से नहीं की जाती थी उसके खिलाफ, तो ये सारी चीजें, एक उसने आतंक पूर्वांचल में फैला के रखा था, उसके आतंक का खात्मा किया है इस सरकार ने। अगर देखा जाए तो 192 करोड़ की उसकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया है और जब्त किया गया, 94 लोगों से उनके 94 अपराधियों से जो उनसे जुड़े हुए थे शस्त्र लाइसेंस उसका निरस्त किया गया है, 1 दर्जन से ज्यादा उनके मुख्तार अंसारी के साथियों को जिला बदर किया गया, तमाम कार्रवाई सरकार ने की और केवल मुख्तार अंसारी ही नहीं तमाम ऐसे माफिया और अपराधियों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और आज देखने की बात है कि किस बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रहे हैं और वो विपक्षी पार्टियां चाहे वो छत्रक पार्टियां हो वो सभी के सभी उसके समर्थन में खड़े दिखते हैं, आंसू बहाते दिखते हैं। तो अगर आतंक खत्म करना है ऐसे माफियाओं का, डॉन का, तो निश्चित तौर पे हमें इस तरह की कार्रवाई का स्वागत करना होगा और जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करती है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों की वजह से जनता प्रताड़ित होती थी, उत्पीड़ित होती थी। बिल्कुल, ऐसे फैसलों का स्वागत करना होगा। और ये पूछ भी लेते हैं कि क्या सैफ खान इस फैसले का स्वागत करते हैं या फिर नहीं। सैफ खान जी, पिछले काफी लंबे समय से कवायद जारी है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए और अब जब ये काम सही ट्रैक पर खुरा है, मानते हैं कि विपक्ष में है आप, आलोचना करना सही है, लेकिन आज इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज आपके साथ जो है मौका मिला। मैं जो ये एलिगेशन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो लगा रहे हैं, मैं उसको क्लैरिटी दे देता हूँ कि सच्चाई कितनी है इस बात के ऊपर जो है, और ये बोल कौन रहे हैं। पहली बात, सबसे पहली चीज क्या, अगर मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद था तो किस लिए बंद था जो है, और वो ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा था या कर नहीं सकता था, तो उसका रीजन ये था कि 3 पैनल डॉक्टर्स ने जो है आपको सर्टिफाई किया था कि आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ने भी ये क्या कहा था मुख्तार अंसारी को कि आपकी हेल्थ जो है इतनी खराब है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से जो है आज ये जो स्टेप उठाया जा रहा, हमें जो है बिल्कुल हम हंसी खुशी जो है उसे हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं। और मैं ये साथ साथ बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी अजय राय जी हैं जिनकी मांग थी उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार से कि उनको जो है सिक्योरिटी प्राप्त की जाए, क्योंकि उनके ब्रदर के मर्डर केस में ये लुप्त है। साथ साथ में हमारी महाराष्ट्र में जहां पे सरकार है वहां मुख्तार अंसारी बुक्ड अंडर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्ट में भी महाराष्ट्र की हमारी मांग है कि हम जो है उसको जो है बुक करके जो है, यानी हर स्टेट ये चाहती है कि जो जो क्रिमिनल हो उसको वहीं पे उसी स्टेट में जो है सजा दी जाए। अब आते हैं बात जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता जो यहाँ पे अपने गीत गा रहे थे, मैं उसको बताना चाहता हूँ। संरक्षा की बात कर रही है या क्रिमिनल या माफिया की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ 114 क्रिमिनल विधानसभा में बैठे डिक्लेयर भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, यानी 37% वाले जो है। और अगर मैं ADR की रिपोर्ट की बात करूं और लोकसभा की, तो वहां तो 77% बैठे हैं। यहां तक कि 13
44 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 13 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिन पे संगीन अपराध हैं, मर्डर है, एक्सटॉर्शन है, ऐसे ऐसे जो है। अगर आप बीजेपी पार्टी का आंकड़ा दे रहे हैं तो शायद आपके पास अपनी पार्टी का भी आंकड़ा होगा कि कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनको आप टिकट दे देते हैं। आप अपनी पार्टी के भी ऐसे विधायकों का नाम गिनवाइए। प्रवक्ता उंगली उठा रही थी, आप उनसे पूछिएगा कि कितने परसेंटेज वाले हैं, क्योंकि मैंने इनको बताया 77% और ये भी एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। और किन के लिए कह रही है? योगी जी के लिए भी कह रही है जिनके खिलाफ 15 से 17 केसेस खुद रजिस्टर हैं और खुद अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर से 20,000 केसेस जो है ये योगी और भारतीय जनता पार्टी की जो माफिया वाली सरकार है ये खुद अपने केसेस हटवाने के लिए याचिका है। और 125 केसेस तो इन्होंने खुद मुजफ्फरनगर की केसेस में से संगीत सोम वगैरह और बाकी अपने अपने विधायकों और अपने लीडरों पे से हटाए हैं जिसके ऊपर जो इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार लगी है। तो ये जो टीचिंग, ये जो ये दिखावा और ये जो ढोंगपना जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो हमेशा रहता ही रहता है। आज मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो क्रिमिनल है और क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन, अब बात करते हैं कि जो है ये सब चीजें हो दिखावा ढोंग। और आज संरक्षण पर भी बात होगी क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और गंभीर आरोप कैप्टन सरकार पर भी लगे हैं कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को संरक्षण क्यों दिया जा रहा था। बीजेपी विधायक अलका राय, उन्होंने भी प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी है कि मुख्तार अंसारी को बचाया जा रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये उसने बाजत बरी कर दिया है मुख्तार अंसारी को। अब बात रही जो अजय राय जी का केस की बात करूं या मैं फिर जो महाराष्ट्र के केस की बात करूं, जहां जहां ये लिप्त है, हमारी सरकार है वहां तो उसका अंडर ट्रायल, और अभी भी पंजाब सरकार में अंडर ट्रायल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका क्या डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जो ये मांग रखी है इसके लिए कि हाँ हमारे यहाँ जो केसेस चल रहे हैं उसके लिए इसको प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ पे पंजाब में भी जो भी जब भी इसकी डेट पड़ी है, जब भी ये कोर्ट पर आया है मुख्तार अंसारी, तो उसने कोर्ट में भी जो है मोहाली कोर्ट में, अभी फिलहाल के दिनों में आपको बता रहा हूँ, मोहाली कोर्ट में जब ये पेश हुआ तो उसने सबसे पहले कोर्ट में जाके जो है यही कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तभी मोहाली कोर्ट ने जो है जज ने इसको वापस जो है जेल में वापस भेज दिया। तो सच्चाई वाली बात यह है। और साथ साथ में मैं ये भी करना चाहता हूँ कि आज उसकी जो वाइफ है अगर ये क्लेम कर रही हैं कि फेक इनकाउंटर केसेस हो रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ये भी बताना चाहूंगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 10,828 केसेस से ऊपर केसेस फेक इनकाउंटर्स के जो है रजिस्टर किए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है इन सब फेक इनकाउंटर केसेस में जो है, या सब पूरा जो है जितने क्रिमिनल्स हैं अब जो है वो उत्तर प्रदेश में 114 जो है वो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगी जी खुद अपने 15 से 17 केसेस, होम मिनिस्टर जो हैं 3 महीने मर्डर केस में जेल में रह चुके हैं, और मोदी जी का आप गोधरा का कैसे भूल सकती हैं। बहरहाल जो है बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो उसके ऊपर जवाब दे दिया गोधरा के ऊपर जो है, और अब अमित शाह के उसके ऊपर भी वो दे दिया है। ठीक है, तमाम लूपहोल्स आपने गिनवा दिए, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि आज जो ये कार्रवाई हो रही है ये सही ट्रैक पर जा रही है। लौटूंगी आपके पास सैफ खान जी। हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, किस तरह से पूरे मामले को आप देखते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को लाने की जो कवायद है वो अब सही ट्रैक पर जाती हुई दिख रही है। 16 से 18 घंटे का ये सफर काफी ज्यादा क्रूशियल, तैयारी भी लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरह से आप पूरे मामले को देख रहे हैं? जी कीर्ति जी, एक अच्छा काम हो रहा है न्याय की स्थापना के लिए, और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने एक भय का माहौल झेला था मुख्तार अंसारी और उनके साथ के लोगों की गतिविधियों के कारण, उनको बहुत सुकून मिला होगा। साथ ही साथ कीर्ति जी, एक और नई बात मैं जोड़ रहा हूँ, बहुत से ऐसे नौजवान थे जो मुख्तार अंसारी या अन्य बाहुबलियों के चमक दमक और उनके रसूख से प्रभावित होकर के अपना कैरियर बदल करके उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं, उन नौजवानों की जिंदगी भी इनके मुख्तार अंसारी या और भी तमाम जो माफिया है उनके प्रभाव में आके खराब होती है। वो अपना कैरियर पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रुपया पैसा रसूख और राजनीतिक बाहुबली के साथ रहने का रास्ता चुनते हैं, जिससे उनके परिवार के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। समाज के वो लोग जो देखते हैं कि ये नौजवान कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया इसके जीवन शैली थी, और एक माफिया से जुड़ने के बाद वो किस तरह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, उसकी जिंदगी खराब होती है, उन लोगों को भी सुकून मिला होगा। सरकारें अगर वास्तव में, जैसे अभी सैफ भाई गिरा रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार पंजाब सरकार भी चाहती है कि मुख्तार अंसारी और उनके जैसे लोगों पर कार्रवाई हो, तो ठोक बजा करके अगर कार्रवाई होते रहे तो समाज में नैतिक पतन जो हो रहा है, खासकर युवा वर्ग का, कि वो अपराधी और चमक दमक के पीछे भागता, वो रुकेगा। आज हमारे विमर्श में जैन साहब हैं,
जैन साहब, हम आज बहुत बड़े एक अपराधी के बारे में बात कर रहे हैं, आरोपी जिनके ऊपर तमाम आरोप है। आपको नहीं याद होगा, आप भी अधिकारी थे, बाराबंकी जनपद का मेरा मूल निवास है, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर में एक अपराधी थे जिनका एक राजनीतिक रसूख भी था और बहुत लोग परेशान थे। जैन साहब जब पद पर थे तो उनके पास शिकायत पहुंची थी और उन्होंने आज जो हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब्त किया और ध्वस्त किया। जैन साहब पुलिस अधिकारी वर्तमान उस समय तत्कालीन पद पर रहते हुए इन्होंने पुलिस को निर्देशित किया था और बाराबंकी में दिग्गज दिग्गज नेता रहे हैं, हर पार्टी के नेता रहे हैं, उन दिग्गज नेताओं की एक नहीं चलने दी थी जैन साहब ने और उस अपराधी पर लगाम लगाया था और उस जैन साहब की एक कार्रवाई का नतीजा यह था कि वो अपराधी और उनका परिवार आज तक किसी को प्रताड़ित नहीं कर पा रहा है। तो न्याय की स्थापना के लिए पुलिस अधिकारियों को और शासन तंत्र को बहुत कड़ा होना चाहिए और वही कड़ा पर योगी आदित्यनाथ की सरकार दिखा रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार समाज में बधाई की पात्र मिलेगी और राजनीतिक रूप से भी फायदा इस पूरे घटनाक्रम में योगी आदित्यनाथ की सरकार को मिलेगा, इसको कोई नहीं नकार सकता है। और योगी आदित्यनाथ ये आज कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनकी राजनीति में शुरू से इन्होंने कहा कि योगी के एक हाथ में माला और दूसरे में भाला रहता है। माला रहता है कि हम जनहित का काम करेंगे और भाला रहता है हम अपराधियों को दुर्दांत अपराधियों से लड़ेंगे। और रही बात जो सैफ भाई ने आईपीसी की धारा अपराधियों की बात की, आईपीसी की धारा में अभी कोई ऐसा अंतर नहीं है कि राजनीतिक और सामाजिक कारणों से आंदोलन करने में कोई दूसरी धारा लगे और संगीन अपराध चोरी डकैती माफियागिरी दमंगई फिरौती करने में कोई दूसरी धारा लगे तो आईपीसी की धारा में बदलाव की भी रिफॉर्म की जो बात चल रही है वो भी होगी। बहरहाल जयंत साहब जैसे अधिकारी हो या योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हों, और इस क्रम में हम बहन मायावती को भी नहीं भूल सकते हैं। मायावती ने भी अपने समय में अपराधियों पर जम के लगाम लगाई थी, अपने सांसदों को उन्होंने अपने कोठी से गिरफ्तार कराया था। और कमियां होंगी लेकिन कानून व्यवस्था कायम करने में अगर योगी आदित्यनाथ को हम नंबर देंगे 10 में 10 तो इस पैटर्न पर मायावती की सरकार भी नंबर 1 पर थी, उसको कोई नहीं नकार सकता है। और ये बहुत अच्छा कदम है और न्याय ने मौका दिया है मुख्तार अंसारी के परिवार को, वो अपना न्यायालय में रखें कि हम जिन जो आरोप हमारे ऊपर लगे हैं हमको लोग माफिया कहते हैं, हम नहीं है, माननीय न्यायालय के सामने अपनी बातें रखें, वकील रखें और न्यायालय अगर उनको मुक्त कर देगा तो वो जो भारत का संविधान है न्याय है वो उनको न्याय मिलेगा। अगर उन्होंने अपराध किए हैं तो उसका दंड भी भोगे वो, क्योंकि देर तो होती है लेकिन देर थोड़ी ना होती है आपको। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो युवा वर्ग आकर्षित होता है बाहुबलियों माफियाओं के लंबी लंबी गाड़ियों और बंदूकों के पीछे, वो सिलसिला रुकेगा अगर माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई करने का वादा और दावा योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं। तो सारे अपराधियों के साथ आप करिए, कोई अपराधी बख्शा ना जाए उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा बात होगा और आप हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन कोई भी अपराधी किसी भी जात संप्रदाय का हो उसके प्रति आप नरमी नहीं दिखाएंगे, ये आप योगी आदित्यनाथ की सरकार से हम उम्मीद रखते हैं और हम चाहते हैं कि ये सीखे और पुलिस अधिकारियों को कम से कम अपराधियों पर नियंत्रण करने की खुली छूट जैसे आपने दी है वो बदस्तूर जारी रहे। जी कृति जी, पर की प्रक्रिया है इसकी पूरी जिम्मेदारी दो बड़े अफसरों को मिली है, प्रेम प्रकाश है एडीजी और के सत्यनारायण है आईजी, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं मोटे तौर पर समझना चाहूं इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, ये जनता के सामने बातें नहीं रखी जा सकती हैं, लेकिन आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, आपने इस तरह के ऑपरेशन देखे हैं, अगर इस ऑपरेशन को मोटे तौर पर समझा जाए तो किस तरह से? जो उन्होंने एक दो शब्द मेरे लिए अच्छे कहे, मैं बहुत आभारी हूँ। दूसरी बात यह है, ये कोई बहुत एक मामूली सा ऑपरेशन है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा मीडिया हाइप हो रही है, इसको बिल्कुल सुरक्षित ले आया जाएगा, 2-3 गाड़ियों से ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं थी। और क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें दखल है और उनके द्वारा आदेशित किया गया है, इसलिए फर्ज बनता है यूपी पुलिस का कि वहां से सुरक्षित लेकर चले और यहाँ पर सुरक्षित लेकर आए और उनका दाखिला करें, जो भी बंदी है कैदी है उसको लाके दाखिला करें। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, सही फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया है और इसके क्रियान्वयन से न्यायिक प्रक्रिया मजबूत होगी, लोगों का कानून में विश्वास बढ़ेगा
और जो भी लंबित मुकदमे चल रहे थे जिनमें दो साल से सुनवाई नहीं हो पा रही थी वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जहां तक रही बात एडीजी और आईजी के सुपरविजन की, वो इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और उस पर निगाह रखी जा रही है और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होने की कोई उम्मीद नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इनके कुछ गुर्गे आगे पीछे गाड़ियों में भर भर के चलते हैं, वो नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्लीट जब चलेगा तो वो उनका उनको कहीं पे स्थान नहीं मिल पाएगा और होना भी नहीं चाहिए। जब एक सुरक्षा दी जा रही है आपको तो आप उसी सुरक्षा के तहत आइए। मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, उनकी एडवाइस पर फ्लीट काम करेगा कि भाई कहीं पर रुकना है, क्या है, कहीं पे कुछ चेकअप होना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं उसका पूर्णतः पालन यूपी पुलिस करेगी। एके जैन जी, ये तो हमने पुलिस जाब्ते के कॉन्टेक्स्ट से बात की है, मेरा सवाल ये कि मुख्तार अंसारी क्या अपने स्तर पर कोई कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी तक तमाम कोशिशें वो पहले भी कर चुका है, स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दे चुका है, क्योंकि जिस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है तो उस हिसाब से अगर वो पुलिस जाब्ता के साथ रवाना होता है तब क्या बीच दौरान कोई कोशिश? तो उससे यूपी पुलिस निपटने में सक्षम है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे कहीं हो। मैं नहीं समझता कि कोई इतना मूर्ख होगा कि इतने बड़े कंटिंजेंट के साथ इस प्रकार का प्रयास करे कि मुख्तार अंसारी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करे। इसको मैं इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल उसको सही लाया जाएगा और लाकर यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। मेडिकल ग्राउंड को चेक करने के लिए डॉक्टर साथ में है, ये अच्छा कदम है। मैं कैदी जो भी वहां से उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह करके सुपुर्द किया गया होगा और यहां पर भी लाएं और लाकर अपना उसको बांदा जेल में दाखिल करें। बांदा जेल में भी चाक चौपन प्रबंध किए गए हैं और वहां पर भी कोई गड़बड़ी किसी प्रकार की होने की आशंका नहीं है। हाँ, जिस तरीके से पहले एक साम्राज्य कायम रहता था वो नहीं हो पाएगा, साधारण बंदी की तरह तन्हाई सेल में रहेंगे और यही होना चाहिए। ये फर्ज है कि कानून की निगाह में सब लोग बराबर हों और ये ना दिखाई पड़े कि बांदा जेल में किसी माफिया का राज चल रहा है, जैसा कि पहले कुछ अपराधियों का अलग 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 जेलों में चलता था। ये कतई ये बिल्कुल गलत है, इसका बड़ा गलत संदेश पूरे समाज में जाता है और साधारण बंदी की तरह रहें, सुरक्षा उनको पूरी प्रदान की जाए। ठीक है जी, ठीक है। शबनम पांडे जी, क्योंकि जब योगी सरकार आई थी सत्ता में तो ये कहा गया था कि जितने भी कुख्यात बदमाश होंगे उनके हौसले नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे, धाएं धाएं हो जाएगी, कहीं इसी वजह से तो मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार डर नहीं रहा? मुख्तार अंसारी जो एक कुख्यात माफिया है, उसकी हालत देखिए कितनी थी कि पंजाब में भी वो अपने एम्बुलेंस को लेके मुख्तार अंसारी वहां पे है और पंजाब सरकार से लेके पंजाब पुलिस उसे कुछ नहीं कह पाता है। और ऐसे हालत वाले मुख्तार अंसारी को जब उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखती है, उसको चार साल तक सभी माफियाओं ने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने किसी और बात की परवाह किए बगैर उन्हें निस्तनुबूत कर दिया है। तो वो एक डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि अब कहीं ना कहीं मुझे कारागार में मछलियों के तालाब नहीं मिलेंगे, मेरे साथ कोई पूर्व डीएम बैडमिंटन खेलने नहीं आएंगे, मेरे साथी असलाहों के साथ वहां कारागार में मौज मस्ती नहीं करेंगे। अब उन्हें पता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की मजबूत इच्छा शक्ति ने तमाम अपराधियों पे नकेल कसा है, उन पर भी नकेल कसा जाएगा और जल्दी से जल्दी जो भी उन्होंने अपराध किया है उसका ट्रायल होगा और डिसीजन लाने की कोशिश की जाएगी। यही देखकर, इतनी सब परिस्थितियों को देख के परिवार और मुख्तार अंसारी कहीं ना कहीं अपने पैतृबाजी दिखा रहा है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बोलने के बजाय राजनीतिक दलों में किस दल में कितने कौन है, अरे आज मुख्तार अंसारी पे बात हो रही है, एकजुट होकर ऐसे माफियाओं को खत्म करना है और एक एक करके ऐसे ही सभी माफिया खत्म होंगे। आपके पार्टी के अजय राय ने, हमारी पार्टी की अलका राय जी ने
प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखा, लेकिन प्रियंका गांधी जी ऐसे तो हर अपराध होने पे टूरिज्म के लिए चली आती हैं, पर इस पर अपने पंजाब सरकार को एक चिट्ठी तक नहीं लिख सकी कि इसका भी जो क्राइम के अगेंस्ट उसको डाला गया है उसका क्राइम रिपोर्ट दिखाए, चार्जशीट दायर करे। तो ये लापरवाही और ये संरक्षण एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए अगर कांग्रेस पार्टी देती है तो निश्चित तौर पे आप समझ में आता है कि जनता ने उन्हें क्यों नकारा है। अगर इसी तरीके की कार्रवाई, इसी तरीके का समर्थन अन्य पार्टियां देती रही माफियाओं को और भ्रष्टाचारियों को तो उनके दिन अब खत्म हो गए हैं। और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने का बेड़ा उठाया है और निर्भीक होकर उठाया है और पुलिस अधिकारियों ने साथ दिया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सैफ खान जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सैफ खान जी। बहरहाल जो अभी ये स्टेटमेंट, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बता रहा है कि 45% क्राइम जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। आज महिलाओं के ऊपर भी लेके चले तो 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं। 26% जो है वो साइबर क्राइम बढ़ चुका है। 12% बूढ़े और बुजुर्ग जो है उन पे क्राइम बढ़ चुका है। 5 बच्चे एक दिन में किडनैप हो रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की हालात। और ये कैसे भूल सकते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है आपके विधायक जो है पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है, जबकि प्रावधान ये कहता है पॉस्को एक्ट लगने के बाद फौरन गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो कहते हैं कि दूसरों की बात मत करो, जो है कहते हैं कि बात करो मुख्तार अंसारी की, अंडर ट्रायल है वो, 10 करोड़ का एक्सटॉर्शन मांगा था सीईओ की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश में ही रियल स्टेट के सीईओ हुए हैं, उन्होंने उनकी कंप्लेंट के ऊपर ही जो है इसको इसके ऊपर जो है ट्रायल जो है इसके ऊपर चले जा रहे हैं। और हमारी मांग मैं फिर ये रखना चाहूंगा, हमारी मांग महाराष्ट्र से भी है, हमारी मांग उत्तर प्रदेश में अजय राय जी जो हमारे ही 5 मरतबा के विधायक हैं उनकी तरफ से मांग थी कि उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है योगी जी ने। क्या दे दी मैडम, पहले तो ये बता दीजिए आप जो है कि जो सुरक्षा मांगी गई थी जिस पर कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे, क्या सुरक्षा दे दी अजय राय जी को? वो उस पर तो जवाब आपको मिलेगा नहीं। बात करते हैं क्राइम के ऊपर, मैं फिर इनके आंकड़े सामने अगर मैं रखूं आपके जो है कि इन पे कितने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, अरे 20,000 केसेस तो ये उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार जो है भाजपाइयों की अपने क्रिमिनल्स के ऊपर से जो है केसेस हटाने के लिए जो है वो कर रहे हैं, उनके उनकी छवियां साफ की जा रही हैं। आज हालात देख तो लीजिए, चाहे इन टर्म्स ऑफ वेमेन सिक्योरिटी देख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ क्राइम देख लीजिए, क्या क्या वादे करके आए थे ये सरकार जो है दिखावे के लिए, चाहे तो बहुत सारी बातें की जाती हैं। मुश्ताक अंसारी पे बात करिए साहब, अंडर ट्रायल था वो जो है, उस पर केसेस रजिस्टर हैं, कोई वो जो है 5-स्टार होटल में नहीं रह रहा था, जो अब जो ना वो 5-स्टार होटल जा रहा है, अभी वो जेल में ही था और जेल में ही जा रहा है। और अगर महाराष्ट्र भी जाएगा तो वो भी गए थे वहां पर, अपने पर्सनल एम्बुलेंस लेकर के गए थे सैफ खान जी। नहीं तो पर्सनल एम्बुलेंस के देखिए मेडिकल फैक्टर भी साथ में जुड़ा हुआ है ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जो सरकार पंजाब सरकार पे या कांग्रेस की सरकार पे भाजपाई हमेशा तो कीचड़ फेंकते आए हैं। मैं तभी कहना चाहता हूँ क्या उन तीनों डॉक्टर्स के पैनल के ऊपर जो है आप उंगलियां उठा रहे हैं, या आप जो वो मेडिकल इंस्टीट्यूट का जिसका मैंने जिक्र किया क्या उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, या क्या भरोसा नहीं रहा आप लोगों को डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूट के ऊपर जो है? आप उसका मेडिकल रिकॉर्ड भी जो, तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान के जो है फिर डॉक्टर्स की जो है डॉक्टर साथ में दिए हैं, अगर उसकी हालत खराब ना होती, उसको हार्ट पेशेंट ना होता और ये उसको बीमारियां ना होती तो मेडिकल फैसिलिटी उसे नहीं मिलती। और एक प्रक्रिया होती है ट्रांसफर करने की, आपके पास डॉक्टर्स थे, आपके पास जो प्रक्रिया थी, आप आके पहले टेस्ट करके उसको जो है गलत रूप कर सकते थे, मगर ऐसी कोई भी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं वो की गई। सिर्फ एक ढिंढोरा जो है, एक ढोल पीटने की जो सरकार जो है, हमेशा ढोल पास आना चाहूंगी, लौटूंगी सैफ खान जी आपके पास। क्या लगता है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि सैफ खान जी अब बड़ा कहीं ना कहीं गंभीर आरोप भी है कि सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है, प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चूक हुई है? कोई चूक नहीं हुई, और आज चूंकि काम हो रहा है तो राजनीतिक दल अपने काम करने में ढिंढोरा पीटते ही है, प्रचार प्रसार खूब करते ही है, और सरकारें भी अपने अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करती है जिससे जनता उनको प्रभावित होकर के फिर वोट दे। और बात यहाँ हो रही है उस एम्बुलेंस की, मुझको लगता है भाजपा के प्रवक्ता सबनत जी ने चर्चा किया था, जो मुख्तार अंसारी की खुद की एम्बुलेंस थी जो
बात नहीं लावारिस थाने में पड़ी पाई है। उसके लिए कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था कि आप अपनी पर्सनल एम्बुलेंस में आइए जाइए कहीं पर, तो पर्सनल जो एम्बुलेंस की बात है वो बाकी मुख्तार अंसारी विचाराधीन कैदी है, विधायक भी है मऊ से या आम नागरिक कोई है, सबके स्वास्थ्य सुरक्षा की और जीवन रक्षा की गारंटी संवैधानिक तौर पर सरकारों की होती है। तो मुख्तार अंसारी के परिवारजनों को ये बिल्कुल संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह उनके ऊपर आरोप है कि लोगों को उन्होंने चैन से जीने नहीं दिया, लोगों की हत्याएं जब चाहिए तब करा दी, लोगों का छीन लिया, उस तरह माननीय न्यायालय और सरकारें नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। हाँ, उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा अगर पुलिस बल के साथ कोई छेड़खानी होगी, रास्ते में कोई प्रयास होगा, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, देश की पुलिस और देश का संविधान सशक्त है कि कानून से खेलने वाले और व्यवस्थाओं से खेलने वालों को थोड़ा भी ना जाए। तो अभी भी समय है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों का कि न्यायालय और संवैधानिक व्यवस्थाओं का कदर करते हुए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सशस्त्र बलों के साथ आए। स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, एक आम नागरिक के रूप में उनकी स्वास्थ्य की चिंता सबको है, उनके परिवार को भी है और सर्वोच्च न्यायालय को भी है। वो आवे और अपनी बात न्यायालय में रखे, अवलंब ताकत और रसूख के बल पर संवैधानिक व्यवस्थाओं को और कानून व्यवस्था को चुनौती देने का समय अब चला गया। ये भावना सारे लोगों के मन में आनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है और जिन लोगों का भी थोड़ा सा चला जा रहा है कि माफियाओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, राजनीतिक रूप से उनका नुकसान तय है होना। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, गलत समाज में जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं। तो इसका खामियाजा वोट के रूप में आपको नकारात्मक ही मिलेगा, विपक्ष को, भाजपा को सीधा फायदा होगा। इसलिए न्याय के साथ रहते हुए, न्यायिक व्यवस्था का पालन करते हुए बिल्कुल, और इसीलिए मेरे सैफ खान जी से सबसे पहला प्रश्न ये था कि अब जब कार्रवाई बिल्कुल ट्रैक पर जा रही है तो आलोचना की बजाय एक बार ये कह भी दीजिए कि ट्रैक पर जा रही है, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जरूर, क्योंकि जो मैसेज जनता के बीच में जा रहा है जिसका जिक्र अरविंद विद्रोही जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक बैठता है। सैफ खान जी, फिर ये जो अजीत गारे थे उत्तर प्रदेश के लेके माफियाओं के ऊपर वो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खुद माफिया जो भरे पड़े, क्राइम की फिर जो है बढ़ गया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की उस पे आंकड़ों पे भी तो आए, या ये भी तो देखिए कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल इन आंकड़ों का भी मैं पूछूंगी, मैं शबनम पांडे जी से इन आंकड़ों के बारे में भी पूछूंगी, लेकिन सवाल मुख्तार अंसारी के ऊपर खुरा है कि आखिरकार क्यों ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ खड़े हैं। पहले कीर्ति जी, पहले तो अरविंद जी से ये पूछेगा कि जो फेवरिज्म की जो तूती गा रहे हैं सामने जो है से बोल बोल के, और ये गीत गाने का, ये तो बोला नहीं कि 1517 केस तो खुद जो है योगी जी पे रजिस्टर है ना, और जो जिसकी माँ जिसको हटाने के लिए योगी जी भरपूर कोशिश लगाए हुए हैं और फटकार भी पड़ी इलाहाबाद हाईकोर्ट से। बहरहाल ये फिर पंजाब सरकार के ऊपर आ जाते हैं। मैंने फिर ये जिक्र किया कि आपको जो है कि अगर ये रोका गया था तो ये मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर रोका गया था, तीन पैनल डॉक्टर्स के थे जिनको रोका गया था। आप पैनल अपने उत्तर प्रदेश से पैनल रिपोर्ट वो ले आइएगा, एक प्रक्रिया आप फॉलो करते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर एक जो है कीचड़ फेंकने की प्रक्रिया जो है हमने जरूर देखी कि कांग्रेस के ऊपर जो लगातार वो किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आपने ऑर्डर्स लेके जो है आपने डॉक्टर्स लेके आप जो है वो कर लिया, ये चीज पहले भी तो की जा सकती थी मगर पहले नहीं की, पहले उसको जो है इश्यू एक बनाया गया, कीचड़ फेंकी गई। जो टारगेट किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार को, जिसमें जो है लीस्ट आपने पूछा था कितने परसेंट केसेस हैं, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता प्रवक्ता तो बोल नहीं पाए, 1-2% के केसेस जो है केवल रजिस्टर्ड है, वो भी इसलिए किया करवाए गए क्योंकि आपकी छवि बिल्कुल साफ थी तो कैसे हो सकता था, इसलिए जबरदस्ती जो है ये 1-2% भी केसेस जो है उसको लगाए गए जो है। ये भरपूर केसेस वाले जो हैं और ये दिखावा करने वाली हमारी सरकार नहीं है, जो ये बोल के आई थी उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले वादे तो यही थे कि हम जो है क्राइम हटा देंगे। क्या क्राइम हटाया उत्तर प्रदेश में, तो क्राइम बढ़ गया। ठीक है, तो ठीक है, इसका जवाब भी मैं शबनम पांडे जी से ले लेती हूँ। शबनम पांडे जी, क्योंकि इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जो सरकार में लूपोल है वो भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाते हैं। केवल आज बात मुख्तार अंसारी पर नहीं होगी, क्योंकि सैफ खान जी बार बार कह रहे हैं कि जो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जो अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिक्र तो उस पर भी होना चाहिए। उसके लिए आगे क्या प्लान है, कब तक ट्रैक पर वो सारे रिकॉर्ड आ पाएंगे?
देखिए कीर्ति जी, एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे साथी जो कांग्रेस के साथी जिस तरीके से क्राइम के बारे में बखान कर रहे हैं, तो उन्हें ये बता दूं कि पर लैक पॉपुलेशन पे क्राइम देखे स्टेट वाइज नहीं, कहीं कोई स्टेट 2 करोड़ की पॉपुलेशन की और ये 24 करोड़ की पॉपुलेशन की, अगर उससे देखिए तो आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल तमाम प्रदेश उत्तर प्रदेश से कई ज्यादा आगे है क्राइम में। तो इस तरीके से जनता अनपढ़ नहीं है, आपके व्यूअर अनपढ़ नहीं है, उन्हें पता है कि पर लैक पॉपुलेशन में क्राइम देखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कई प्रदेश समाहित हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन में। दूसरी बात, इतने लंबे समय तक बोलते रहे लेकिन बार बार बचाओ मुख्तार अंसारी पे, और कह रहे हैं कि कीचड़ फेंका जा रहा है, क्या माफिया पे भी कीचड़ पड़ता है? वो तो खुद ही कीचड़ है, उनके पास कीचड़ डालेगा? देखिए कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, क्या समर्थन है कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से कीचड़ों के साथ रह के उनका समर्थन किया? ठीक है शबनम पांडे जी, शुक्रिया, शुक्रिया शबनम पांडे जी, सैफ खान आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी भी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ एके जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।